ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश धीरे धीरे स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो अभी आपको दिखना स्टार्ट होगी। तो अब हम छोटे छोटे जो गांव है वहाँ से एंटर करते हुए, मतलब हम सोनमर्ग में आ गए, बट बीच में एक कोई गांव आया था जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं, मतलब घर वर बने हुए हैं। हम उसको क्रॉस कर रहे हैं एंड बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब बारिश वारिश भी हो रही थी और अभी स्नो गिरना स्टार्ट नहीं हुई, अभी प्रॉपर रेन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपको जो रेन की ड्रॉपलेट्स हैं ये स्नो में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो अभी आप ये देखेंगे तो एक क्लिपिंग में आपको दिखेगा बारिश के साथ साथ स्नो भी है, तो ये बारिश मिक्स्ड स्नो है जो गिर रही थी। और हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ये प्रॉपर जो ऐसे रुई फॉर्म में स्नो होता है ना वैसा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लेकिन फिर भी वो गीली स्नो रहती है। ओके गाइस, तो अभी जस्ट हम लोग एंटर हुए हैं सोनमर्ग में। सोनमर्ग वेलकम डस, लाइक पूरा स्नो वगैरह गिरने लग गया है, लाइव स्नो गिरने लगी है। हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, हाँ, कि मार्च में, हाँ, तो हमको पता नहीं था कि एकदम मार्च में लाइव स्नो गिरेगी, बट स्नो गिर रही है, बहुत ही मस्त लग रहा है एंड आई एम लविंग इट, और हम बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपको इस पे दिख रहा होगा है ना, वाइपर पे जब वो क्लीन हो रहा है तो ये स्नो गिरना स्टार्ट हो गई है। एंड काफ़ी सारे लोग ना, हम जिस टाइम पे पहुँचे, हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, हम एक्चुअली 12 12:30 1 बजे पहुँचे थे, तो इतने टाइम तक काफ़ी लोग आना स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। अगर आप जाए ना तो सुबह अर्ली मॉर्निंग प्लान करके जाइएगा, क्योंकि अब क्या होता है ना, आप ग्रुप में जाते हो तो आपके हिसाब से टाइम ही नहीं चलता है, समटाइम्स आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो हम लेट हो गए थे यहाँ पर एंड ये बहुत सही स्नो गिरना स्टार्ट हो गई थी, और इतने टाइम तक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर हमने बीच में एक जगह पे गाड़ी भी रोकी थी। वी आर फाइनली एट स्नो वाली प्लेस, मजे आ गए, बहुत मजे आए। चलो चलो चलो, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सीनरी से के सीन से बाहर आ गई हूँ, इतना सुंदर लग रहा था, सिनिक लग रहा था। अब जब हम जाएंगे ना, जब जाते जाते, अभी आपको देखिए कैसी दिख रही है स्नो, अब ये पूरी एकदम व्हाइट हो जाएगा सब कुछ, पेड़ वेड़ सब पे स्नो गिर जाएगी। शक्ल दिखाओ अपनी। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्नो में और फुल स्नोफॉल हो रहा है, मतलब लिटरली फुल स्नोफॉल। पीछे से दिखाती हूँ। तो जब इतनी ज़्यादा स्नो गिरती है ना, तो आपको कुछ सीन दूर दूर तक दिखता है नहीं। तो हम लोग बहुत ऊपर ग्लेशियर तक नहीं गए थे, हमारा जो राइड्स था हमने एक दो राइड नहीं लिए, बिकॉज़ कोई मतलब ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऊपर जाके भी सेम ही दिखता जो हमको नीचे जाके दिख रहा था ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमने हमारा अमाउंट बचा लिया था और एक बहुत अमेजिंग सी हमने वीडियो भी बनवाई है। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। वहाँ पर ऐसे ना नॉर्मल आईफोन का कैमरा लेकर के घूम रहे होते हैं वो लोग, एंड आप उनको पे करके ऐसे बनवा सकते हो। ये अब हम लोग निकल रहे हैं। जब हम आए थे तब आपको, आपने देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट ट्रीज हैं वो ग्रीन दिख रहे थे, बट अब ये स्नो बहुत ज़्यादा गिर गई थी और हम निकलते टाइम बहुत लेट हो गए थे, जो कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। यहाँ ऐसी जगहों से आपको टाइम पर निकल जाना चाहिए रहता है, और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हम 4 4:30 बजे निकले, जिसमें बीच में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत सारे पंगे हुए थे यहाँ से निकलने के बाद, मतलब लिटरली हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकले हम लोग यहाँ से। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कोई टूरिस्ट नहीं था इतने टाइम तक यहाँ पे, और स्नोफॉल का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, रोड्स पे काफ़ी थिक स्नो जम गई थी एंड तो मतलब अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो हो सकता था हम यहाँ पे अटक जाते। मतलब एक और ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ, मुझे स्नो देखने में बहुत अच्छा तो लगा, बट 2 दिन से ज़्यादा ना मैं बहुत, एक तो क्या होता है, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब माहौल आप 1 दिन 2 दिन देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, 3रे दिन से आपको ऐसा लगता है कि आप निकलो यहाँ से, बिकॉज बहुत ग्लूमी सैड वेदर होता है ये। दिस इज़ अ सैड, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो बहुत सैड सैड सा लगता है मुझे ऐसे वेदर में, तो बहुत ही सैड लग रहा था, मतलब डरावना सा लग रहा था थोड़ा सा। और डरावना मेन तो इसलिए लगता है बिकॉज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हम लोग अटक ना जाएं, क्योंकि हमारी गाड़ी भी बीच में एक बार ख़राब हो चुकी थी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मैंने इस तरीके के वेदर में अपने स्किन को कैसे प्रेप किया, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये है न्यूट्रीडर्म प्री मेकअप कॉम्बो ऑफ डर्मा वाइव हाइड्रा क्लेंजर, न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड डर्मा वाइव मॉइस्चराइजिंग लोशन, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बेसिकली करते क्या है। तो सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, तो डर्मा वाइव हाइड्रा क्लेंजर ओट
ओटमील बेस्ड क्लेंजर है ये, बिल्कुल आइडियल है आपकी स्किन को क्लेंज करने के लिए बिफोर मेकअप और एनी अदर टाइम। हर तरह की स्किन के लिए एकदम सूटेबल है, इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उस पर ये बहुत अच्छा सूट होता है। तो ये काफी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन पे। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। साथ ही साथ ये ब्रेकआउट्स को भी प्रिवेंट करता है। एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन मेड प्रोडक्ट। बिना मेकअप के तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेशली जब भी आप मेकअप लगाएं तब डेफिनेटली इस रिजीमे को ट्राई करिए। आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्ट करेगा आपके फेस पर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आती है मॉइस्चराइजर की। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विथ स्पेशल विटामिन ई, जो कि एक्सेलेंट वर्क करता है बिफोर मेकअप और आप किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, नॉन ग्रीसी, जेंटल एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। इनफैक्ट जब मैं अपने फेस को शेव करती हूँ उसके बाद भी मैं ये मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है मेरी स्किन को। एंड मेकअप लगाने से पहले तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीके का बेस आपको प्रोवाइड करता है, मेकअप लॉन्ग लास्ट करता है और एप्लीकेशन जो है फाउंडेशन और कंसीलर की वो काफ़ी अच्छी कर देता है। एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखता है। सो ये अगेन ऑस्ट्रेलियन मेड प्रोडक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है डर्मा वाइव मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। ये एक डेली यूज बॉडी लोशन है, हर तरह की स्किन टाइप के लिए, हर तरीके के सीजन में आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आइडियल फॉर पोस्ट वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग, जब स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये अगेन एक ऑस्ट्रेलियन मेड प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं इफ़ इन एनी केस आपको परचेस करना है तो। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे और काफ़ी पसंद भी आए, तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी टू बाय दीज प्रोडक्ट्स। ओके गाइज, तो हो गया है सब कुछ, यहाँ से अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और निकलते हैं गुलमर्ग के लिए। ओके बाय बाय रूम, नहीं सब कुछ ले लिया है, सब कुछ खाली है, नहीं कुछ नहीं। हाँ ओके, तो ये हमारा होटल था, द विक्ट्री होटल। तो सोनमर्ग से आने के बाद हम श्रीनगर में ही रुके थे एंड नेक्स्ट डे हमारा गुलमर्ग का ट्रिप था। तो वहाँ से निकलने के लिए हमने श्रीनगर वाला जो होटल था वहाँ से चेकआउट कर लिया है, बिकॉज हमारा जो एक दिन का स्टे है वो गुलमर्ग में ही है। तो अगर आप सोनमर्ग से गुलमर्ग कंपेयर करेंगे ना, तो ये गुलमर्ग इज़ वेरी क्राउडेड। मतलब यहाँ पर हमको अच्छा खासा क्राउड मिला और काफ़ी फैमिलीज, काफ़ी मतलब फैमिली वाले लोग थे। और मुझे ना जैसे सोनमर्ग थोड़ा रिस्की लग रहा था, रिस्की इन द सेंस मीन्स अगर वहाँ पर स्नो में आप फंस गए तो फंस गए वैसा वाला सीन था। यहाँ पर बहुत आराम से गाड़ी वगैरह सब ऊपर जा रही थी, इतना स्लिपरी वगैरह कुछ नहीं था। जबकि यहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ है, हमको अभी आगे स्नोफॉल मिलेगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं हमारे होटल की तरफ। तो यहाँ पर कुछ तो भी प्रोसेस होता है हर जगह पे ना, इन लोगों के स्लिप्स कटते हैं, परमिशन लेनी वगैरह पड़ती है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं हमारे होटल की तरफ। तो वो सेंटर में ही है, मतलब जो स्कीइंग वगैरह का एरिया है उसके बिल्कुल पास में ही है, JNK टूरिज्म का हम लोगों ने बुक किया था। तो यहाँ पर अभी हम आने वाले हैं तो एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे गंडोला राइड वगैरह हमने प्री बुक करके रखा था ऑलरेडी ऑनलाइन ही। तो वेदर आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है। अभी तो बारिश या स्नोफॉल नहीं हुआ है बट ऐसा सब बोल रहे थे कि हो सकता है, बिकॉज काफ़ी डेंस क्लाउड हो रहा है। और जो गंडोला राइड है अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलूँगी, पहले हम लोग होटल के अंदर चेक इन कर रहे हैं। तो नीचे ये इतना ज़्यादा स्लिपरी रहता है, मतलब आपको बहुत संभाल के चलना पड़ता है। जहाँ पे लोग चल रहे होते हैं ना वहाँ की स्नो इस तरीके की हो जाती है गंदी सी। तो ये हम लोगों का होटल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा दिखता है। पूरा वुडन बंगलो जो नहीं होते हैं, वुडन बंगलो, वुडन हट क्या बोलते हैं इनको, वो है ये। तो ये हमारा रूम है और जस्ट इसके साइड वाला हम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उनका रूम है। विंडो से बाहर बिल्कुल स्नो दिख रही है, तो बड़ा अच्छा तो लग रहा है। अभी हम काफ़ी सुबह पहुँच गए यहाँ पे, मतलब हम 10:30 पे इधर पहुँच गए और अब हम लोग वापस से फ्रेश फ्रेश होकर के निकल गए हैं। ये हमारे होटल का नाम है और यहाँ से रास्ता मतलब बिल्कुल स्नो में ही है, हमको स्नो में आराम आराम से चल करके जाना है। और अब हम जा रहे हैं गंडोला राइड की तरफ। तो हम लोगों ने क्योंकि प्री बुकिंग करके रखा था, ये देखिए आपको और भी यहाँ पे हट्स एंड होटल्स दिखेंगे आसपास। तो यहाँ पर रुकने का काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी रहता है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी सारे रहते हैं। रुक करके हम लोगों ने मैगी खाई, बिकॉज बहुत तेज़ भूख लग रही थी। विक्की ने चाय पी और मैंने यहाँ पे मैगी खाई, बहुत टेस्टी मैगी थी। ऑल्दो ये लोग थोड़ी एक्सपेंसिव देते हैं बट उनका एक्सपेंसिव देना बिल्कुल बनता है, जिस जगह पर वो लोग मेहनत करके कमा रहे हैं बिल्कुल बनता है वहाँ पे उनका। उसके बाद हम क्यू में लग गए थे, हमको लगा था इतनी लंबी क्यू नहीं होगी बट बहुत लंबी क्यू थी और सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं, सिस्टमैटिक नहीं था गंडोला राइड का। उसके बाद हम लोग ये आ गए हैं गंडोला राइड में। तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर, आपको इसमें बैठ करके ऊपर जाना होता है
ग्लेशियर के ऊपर जाना होता है, तो एक फेज़ वन होता है और एक फेज़ टू होता है। अभी हम लोग फेज़ वन में जा रहे हैं, फेज़ टू का हम लोगों ने बुकिंग नहीं किया था पहले से। ऐसा लग रहा है जबरदस्त, मतलब लाइन बहुत लंबी थी बट अब यहाँ बैठने के बाद अच्छा लग रहा है। अगर फर्स्ट फेज अच्छा लग रहा है, कल सेकंड फेज करोगी? नहीं, सुबह 8:30 बजे यहाँ आ जाएंगे, 8:30-9 बजे फटाफट, 15 मिनट की केबल है। आएंगे कैसे, इसी से जा रहे हैं, इसी से आएंगे? हाँ। कितनी देर में आएंगे? 1 घंटा है आपके अच्छा। पास के बाद अब हम ये फेज़ वन में पहुंच गए हैं। यहाँ पर स्कीइंग वगैरह होती रहती है, तो विक्की को बड़ा इंटरेस्ट था करने का क्योंकि वो स्केटिंग जानता है और वो स्केटिंग कर चुका है, तो उसने किया भी। भाई मैंने तो नहीं किया, मुझे बड़ा डर लगता है। मैं बस देख के इंजॉय कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, मैं विक्की की वीडियो बना रही थी और मैं बाकी लोगों के वीडियोज़ बना रही थी, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बस वहाँ बैठी हुई थी मस्त और गरम गरम मैगी या हॉट मिल्क शेक वगैरह पी रही थी, ये सब मैं कर रही थी। तो वहाँ पर वो लोग वैसे सिखाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, कुछ होता है, टाइमिंग्स होते हैं इन लोगों के, वो करवाते हैं और फिर आपको अकेले भी चलाने देते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो थोड़ा सा उन्होंने विक्की को सिखाया, फिर वो धीरे 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 खुद से बैलेंस करने लगा था। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था दूसरों को देखने में, एक दूसरे के ऊपर जब लोग भिड़ रहे थे और स्लिप हो रहे थे, हालांकि ऐसे मज़ा करना नहीं चाहिए बट बस मैं वो देख करके बड़ा इन्जॉय कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था देख के, अच्छा खासा मेरा टाइम पास हो रहा था। और काफ़ी लोग यहाँ पे भाई प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स के लिए आए थे, मतलब दे वर नॉट इवन वेयरिंग ब्लेजर्स और जैकेट्स, हम लोग के तो यहाँ पे ग्लव्स भी उतार रहे थे, तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी। और मैं उन लोगों को देख रही थी कि माई गॉड, क्रेज़ ऑफ फ़ोटोग्राफ्स, मतलब एस्थेटिक फ़ोटोग्राफ्स का अलग लेवल का क्रेज़ था। ओके गाइस, आज फिर से लाइव स्नो स्टार्ट हो चुकी है, स्नोफॉल आप देख ही सकते हो, अमेजिंग, मतलब तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। वैसे दिख नहीं रहा होगा बिकॉज फेस पे है और अब सब ब्लर होना स्टार्ट हो गया है, बट आई विल शो यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक और वीडियो बनवाया, बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, ये भी सेम ही लग रहा है, मतलब सोनमर्ग गुलमर्ग ना भी सब सेम लग रहा है क्योंकि स्नोफॉल हो जाता है ना, तो मैंने बोला ना सब कुछ एक जैसा लगता है, आप कहाँ खड़े हो, क्या है, कुछ सीनिक नहीं आता है, बस ऐसा लगता है, बड़ा सुंदर सा लगता है हालांकि। और अब हम ये वापस निकल गए हैं अगेन गंडोला से, 4 बजे तक का ही टाइम रहता है, उसके बाद आपको फिर पैदल जाना होता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुलमर्ग। कल आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया बिकॉज हम लोग निकल गए थे गंडोला राइड पे। गुलमर्ग में हम लोग रुके हुए हैं, जहाँ पर गंडोला राइट है ना, उस बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे, 1 मिनट का रास्ता है, मतलब यहाँ से दिखता है हमारी विंडो से। टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी, इसमें हम रुके, ये JNK टूरिज्म वाली प्रॉपर्टी है बिकॉज बाकी जो प्राइवेट है वो हमको मिली भी नहीं क्योंकि पीक सीजन में आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके कॉस्ट भी बहुत 15,000 जो कि वर्थ इट नहीं लग रहे थे, क्योंकि एट द एंड एक नाइट के लिए हमको स्टे करना था और हम लोगों को स्नो के बीच में रह करके फील करना था, जो कि मुझे लिटरली कल जब हमारा पूरा काम हो गया ना, 5 बजे सब फ्री हो गए थे, तो मैं बोर हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा है बस घर जाना है यार, घर का खाना खाना है, बिकॉज मुझे तो बहुत इशू है इस चीज़ का, मुझे दाल रोटी, सिंपल दाल सिंपल रोटी, मैं थोड़ी नॉनवेज में खाती नहीं हूँ और फिर मुझे खाना सिंपल खाना अच्छा लगता है, खाद खिलाता ही नहीं है अदरवाइज मुझसे, तो अब लग रहा है कि घर जाना है, हो गया बहुत यार। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो 3-10 दिन की ट्रिप में आया, तो 3 दिन की ट्रिप के बाद मुझे घर की याद आने लगती है। मैं विक्की को यही बोल रही थी, मैंने कहा मैं 3 साल बाद ऐसे कहीं ट्रिप पे निकली हूँ, मैं एक्साइटेड थी। आई एम नॉट अ ट्रैवल पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे घर पसंद है, हर जगह फ्रेश स्नो मिल गई है एंड इनफ ऑफ स्नो हो गया है, और भी हमको कल स्नोफॉल हो गया, वहाँ पर भी स्नोफॉल हो गया तो अच्छी खासी। तो अगर आपको स्नो देखना है स्पेशली, जैसे मेरे को स्नो का था, हम सबको ही, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में स्नोफॉल नहीं देखा है, तो मुझे था कि मुझे स्नोफॉल देखना है, उन दोनों को भी था, विक्की को भी था, हमको स्नोफॉल देखना था, तो ये सीज़न बेस्ट है। अगर आपको सीनिक व्यूज़ देखना है तो यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि जून जुलाई बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि जो स्नो होती है तब स्नोफॉल नहीं होता है, धूप आती है, स्नो जो होती है काफ़ी पिघल जाती है, तो थोड़ा सा स्नो मिलेगा एंड बाकी आपको ग्रीनरी वगैरह मिलेगा, तो ग्रीनरी और पानी और ये सब तो हम बहुत देख चुके हैं ऑलरेडी, तो हमको स्पेशली स्नो ही देखना था। आज हम लोग का ये है, आज हम यहाँ से वापस निकलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर में हमारा स्टे है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हाउस बोट में रुकने वाले हैं, देखती हूँ मैं मेरा मन नहीं है क्योंकि मुझे पानी से वो होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो है, तो देखते हैं अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं रुकूंगी, अदरवाइज हम लोग होटल में रुकेंगे और जो जवस्वी और उसकी वाइफ है वो लोग उसमें हाउस बोट में रुकेंगे। तो हमारा जो टोटल खर्चा हुआ है ना अभी तक 4 लोगों का ट्रिप का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 78,000, तो आप 80 पकड़ लो, ये हमने 5,000 एक्स्ट्रा लेके चला है अभी तक,
चार लोगों का 80,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, तो इतनी ज्यादा बजट ट्रिप हो गई है हम लोगों की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड, और ऐसा नहीं हम इतने गए गुजरे होटल्स में रुके, हम अच्छे होटल्स में ही रुके और हमने सब कुछ किया है, अच्छी जगहों पे खाया पिया है, कैफेज में खाया पिया है, अच्छे ढाबों में खाया पिया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आइटनरी, और जाते टाइम हमारी फ्लाइट की टिकट से, आते टाइम हमारा ट्रेन था क्योंकि हमको मिला नहीं था, तो अगर आपको आइटनरी पूरा जानना है तो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको डेफिनेटली नीचे किसी एक वीडियो में डेडिकेटेडली बता दूंगी सारे होटल्स के नेम्स, डिटेल्स विद कॉन्टैक्ट नंबर। हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे रहे। क्या बोला? चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल। ओके गाइस, तो अब हम लोग धीरे धीरे इस पे से नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए, तो मैं थोड़ा संभाल के चलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हमारी गाड़ी आ गई है, ये रही। बस। तो जाते जाते भी आई एम हैविंग दिस बेस्ट मैगी, अमेजिंग अमेजिंग है ये। तो हम लोग पहुंच गए श्रीनगर, और जाते से सबसे पहले हम लोग डल लेक पहुंचे क्योंकि यहाँ पर हाउस बोट देखना था। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे रुकने वाला है, कौन कहाँ रुकने वाला है। तो हम लोगों ने फिर एक हाउस बोट चेक भी किया। पहली बात तो ये डल लेक देख करके मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी। फोटोज़ में बहुत सुंदर लग रहा है बट ये बहुत काला और बहुत स्मेली था। तो मुझे ये देख करके अपना भोपाल लेक याद आ गया था। एक कहावत है भोपालियों की कि वो यूके या कहीं पर भी वर्ल्ड में चले जाते हैं ना, तो वो कंपेयर करते हैं, अरे इससे अच्छा तो अपना बड़ा तालाब है। तो वो एक्चुअली में फैक्ट है। तो हम लोगों ने एक हाउस बोट चेक करा, तो यहाँ पर लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिक। इंटीरियर इसका बहुत सुंदर था, डेफिनेटली एकदम ट्रेडिशनल कश्मीरी स्टाइल में था, बट यहाँ पे लाइट नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने हमको टाइमिंग्स बताए कि इतने इतने टाइम तक लाइट नहीं रहती है। तो थोड़ा सा ना मुझे, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी सही नहीं आ रही थी। सही क्या, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो विक्की और हम तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये जो पूरा बंद है ना, रूम्स हैं यहाँ पे, क्या है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने ऐसा बोला कि ये बंद ही रहता है। तो हमने पूछा इसके पीछे क्या है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो हम बंद ही रखते हैं। अब थोड़ा और सुनकर के शेडी सा लगा कि भाई इसके अंदर क्या है, रात में यहाँ अकेले रुकेंगे, और हम चार ही लोग थे। या तो आप आओ तो बहुत ग्रुप में आओ, मतलब 10 से 15 लोग होना चाहिए, तब आप रुको बोट पे, तो सही भी है, सेफ भी लगेगा। बिकॉज इतने केस वेस सुन चुके हैं, थोड़ा ऐसा तो नहीं जमा। मतलब हम लोगों ने फिर, हमारे जो साथ वाले थे जो बहुत एक्साइटमेंट में आए थे यहाँ पर रुकने के लिए, उन लोगों ने भी मना कर दिया था क्योंकि वो दोनों अकेले तो बिल्कुल ही नहीं रुकते। उन्होंने हमको फोर्स किया बट मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं थी। फिर हम लोग वापस यहाँ से निकल गए थे और फिर हम गए अडूज़। तो हमारा अडूज़ में भी स्टे था। तो यहाँ पर बस रात को हम लोगों ने डिनर वगैरह यहीं पे किया था, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट डे सुबह जो मॉर्निंग है वापस फ्लाइट थी। ओके गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, श्रीनगर से फाइनली। मतलब अब तो बस ऐसा लग रहा है कि घर पहुंच जाए। इसका टूर मैं आपको हल्का सा दे देती हूँ। काफ़ी अच्छा होटल था, बजट होटल नहीं था ये, बट हमने इसको बजट में कर लिया ऑन द स्पॉट। तो यहाँ से इसकी एंट्री है कुछ इस तरीके, जैसे पुराना वाला थोड़ा टच है इसमें, विंटेज टच है। जो ये वार्डरोब है ये भी बिल्कुल विंटेज स्टाइल में ओपन होती है, और ये है ये है ये है, यहाँ सोफा रखा है, और उसके बाद बेड है वहाँ पर सामने, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। उसके विंडो के सामने मैं दिखाती हूँ क्या व्यू आता है, डल लेक का व्यू आता है, लेकिन हम कर्टेंस ही नहीं खोलते डर के वजह से। और यहाँ टीवी है, बाथरूम है, काफ़ी बड़े साइज का है, सो यस दिस इज द रूम। और ये भी हमने ऑन द स्पॉट ही बुक किया है। या लेट्स गो। तो श्रीनगर के एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चेकिंग होती है, जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। बहुत अच्छी चेकिंग और ज़रूरी भी है। जो व्यू था अमेजिंग था। ये क्लाउड्स भी हैं, और आपको क्लाउड के साथ साथ वो जो पीछे दिख रहे हैं ना, वो सब स्नो वाले माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स पूरे स्नो से भरे हुए हैं, तो वो इतने सुंदर लग रहे थे ऊपर से देखने में। दिल्ली पहुँच करके सबसे पहले मैंने बहुत सारा नॉर्थ इंडियन खाना खाया, थोड़ी आत्मा को अपनी संतुष्ट किया और चैन की सांस ली। वो जो एक अंदर हल्का सा डर होता है ना कश्मीर घूमने का, वो निकल गया। मतलब अब लगा हम सेफ जोन में आ गए हैं। बताऊंगी मैं किसी व्लॉग में उसकी स्टोरी भी आपको। आज हम निकल गए इंदौर के लिए। इंदौर से हमारी प्राइवेट कैब थी, हम लोगों ने वो करके रखी थी, फिर हम भोपाल पहुंच गए। तो यही थी हमारी ट्रिप। काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो मैंने अभी आप लोगों से शेयर नहीं करे, कभी किसी वीडियो में स्टोरी में मैं शेयर करूंगी। कुछ थोड़े डरावने भी थे हम लोगों ने जो फेस करे हैं। तो यस गाइस, आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।